स्वागत आपका आरके डॉट इन के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कार निर्माता कंपनियों ने भी भविष्य की गाड़ियों का निर्माण करती दिख रही है। इसमें होंडा भी शामिल है। होंडा ने 2 हफ्ते पहले फ्रैंकफर्ट मोटर शो में होंडा ई को लॉन्च किया। होंडा ई का लुक बेहद आकर्षक और स्पोर्टी रखा गया है। भारत में इसकी कीमत तकरीबन 24 लाख से 27 लाख तक होगी। कार की फीचर्स की बात करेंगे तो कार में 147 HP पावर इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है और 35.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी होगी जो 152 PS की पावर और 315 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी, जिससे कार करीब 224 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। कार 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी जो कि 30 मिनट में 80% बैटरी चार्ज करेगी। होंडा कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 किलोमीटर पर की रफ्तार 8 सेकंड में पकड़ पाएंगी, जो कि ज़्यादा पावरफुल है। कंपनी के चीफ इंजीनियर कोही हितोमी का कहना है कि भारत में होंडा की बिक्री को बढ़ने के लिए कंपनी होंडा हाइब्रिड तकनीक का सहारा ले सकती है। भारत में होंडा का मुकाबला हुंडई की कोना और MG की आने वाली ZS EV से होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।